जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह की उपस्थिति में इंदौर कलेक्टोरेट कार्यालय में आज जल जीवन मिशन की शुरुआत के तहत आज बैठक बुलाई गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 तक सभी गांवों में पानी पहुंच जाए। इसके चलते आज कलेक्टर मनीष सिंह, सांसद शंकर लालवानी और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सैन की रिपोर्ट। गत वर्ष 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक योजना का शुभारंभ किया था, जल जीवन मिशन। और इस मिशन के अंतर्गत उन्होंने ये आह्वान किया था कि पूरे देश में हर घर में नल होगा और हर नल में जल होगा, और उसी के अंतर्गत हमने तुरंत उसमें योजना बनाई थी इंदौर को लेकर। और आज योजनाओं को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि आए थे, अधिकारियों ने पूरी योजना प्रस्तुत की। हम वैसे भारत की जो औसत गांव में जल नल योजना है वो लगभग 22% है, हम 28% से इंदौर जिला है, एवरेज से हम आगे हैं। लेकिन उसके बाद भी लगभग 250 गांव से ज़्यादा ऐसे हैं जहां इस योजना का लाभ अभी मिल नहीं रहा है। आज हमने उन सभी गांवों की योजना जो बनी है उसको स्वीकृति दी है। इसके साथ साथ आदर्श गांव योजना में जो जल नल योजना है उसको भी आगे स्वीकृति दी है। हमारा प्रयास है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, 2024 में सभी घरों में नल से जल आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा गाँव में हमारी माता बहनें कुओं से घर पानी भरने जाती है और कभी कभी जल स्तर इतना नीचे हो जाता है कि उनको कुओं में नीचे उतरना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि माता बहनों को दूर से पानी न लाना पड़े, कुओं में नीचे न उतरना पड़े, उन्होंने ये योजना बनाई है। 2024 का लक्ष्य उन्होंने पूरे देश में दिया है, लेकिन हम इंदौर में प्रयास कर रहे हैं कि 2022 में ये लक्ष्य पूरा करें। इसमें 90% सरकार का अनुदान है, 45% केंद्र सरकार का, 45% राज्य सरकार का और 10% हम वहाँ स्थानीय लोगों से जनसहयोग से इस योजना को बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले जो गांव हैं, हमने लोगों से भी आग्रह किया है कि वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्जिंग जो जल पुनर्भरण है उसको भी बढ़ावा दें ताकि ग्रामीण में नलकूपों में भी जल स्तर बढ़े। कार्गो को लेकर पिछले दिनों मैंने जो कार्गो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो का निर्माण हुआ उसकी समीक्षा की थी, और उसमें अंतिम चरण पे अंतर्राष्ट्रीय कार्गो, उसमें कोल्ड स्टोरेज से 75 लाख की मशीन एक्सरे आ गई है, सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लगभग तैयार है। आखिरी स्टेज पे आने वाली 17 तारीख को हम एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक बुला रहे हैं, उसमें ये विषय है, और उसके बाद एक बैठक हम और बुला रहे हैं, उसमें सभी कार्गो कंपनी जो एयरलाइंस की कंपनी है वो, हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं वो, कस्टम के अधिकारी हैं वो, और उसके साथ साथ जो प्रीतमपुर और इंदौर जो एक्सपोर्ट करते हैं उन सभी एजेंसियों को बुलाकर हम बातचीत करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट माल किसान का हो, व्यापारी का हो, दवाई का हो, फूल का हो, फल का हो, वो एक्सपोर्ट हो, और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। 17 तारीख को पहली बैठक है, उसके बाद एक बैठक हो रही है कंपनियों के साथ। भैया बसें चलाने की कब तक मांगे, कब से बसें चल जाएगी? ड्राइवर और जो चालक परिचालक हैं वो लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं कि जल्दी चालू होने की, तो क्या तैयारियां हैं? देखिए, बसें चालू होना चाहिए, ये बात सही है, लोगों को परेशानी हो रही है और हम उसमें विचार कर रहे हैं। आज सवेरे भी बस ऑपरेटरों से बात हुई है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मिलता है, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी से समय देंगे, इसलिए उनकी समस्या वो शीघ्र हम निराश नहीं ताई वाला जो एक अपडेट दे दीजिए कि ताई को नहीं, नहीं ताई जी हमारी वरिष्ठ नेता है, उनके नेतृत्व में इंदौर में बहुत सारे विकास के काम हुए, रेलों का बहुत सारा जाल बिछा है, और चूंकि एक लिंक ट्रेन जो पूरे देश में लिंक ट्रेन जितनी भी पूरे देश में वो बंद होने का एक पॉलिसी मैटर बना था, पर उसमें हमारी इंदौर जयपुर लिंक ट्रेन भी आ गई थी, तो हम मैंने माननीय रेल मंत्री जी से भी निवेदन किया है, पहले भी पत्र लिखा था, कल मेरी बातचीत भी हुई है, हमने उनसे कहा है कि ये लिंक ट्रेन बंद नहीं होना चाहिए, चालू रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।